नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मुमगाई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। साम दाम दंड भेद, सत्ता पर फिर काबिज होने के लिए भाजपा सारी नीतियों और सभी हथकंडों को अपनाने के लिए तैयार है। कोशिशों में समझौता हुआ तो वार साधे जाएंगे, कसर छोड़ी तो कसर नहीं छोड़ी जाएगी गद्दी छुड़वाने में, यानी गलतियों की गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि उत्तराखंड में इस बार केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी देगा, जनता का मन टटोलने के लिए भी और उनका समर्थन बटोरने के लिए भी। समझ लीजिए कि राज्य में दावों की दुकान और केंद्रीय नेताओं की कतार दोनों लगने वाली है, और इसकी शुरुआत होगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से, जिनका आगामी 15 नवंबर को उत्तराखंड आना तय हो गया है। जेपी नड्डा के 15 और 16 तारीख को होने वाले इस दो दिवसीय दौरे में विशेष फोकस कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और रुद्रपुर क्षेत्र के रहेगा। वो यहां प्रवास कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इसी महीने उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद मदन कौशिक ने यह स्पष्ट किया था कि दिसंबर तक प्रदेश भर में 252 बैठकों का आयोजन होगा। बैठक में 11 नवंबर से 30 नवंबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए। इसी के तहत जेपी नड्डा से पहले 11 नवंबर को पार्टी के प्रदेश संगठन प्रभारी, सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी फील्ड में उतरेंगे और अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। असल में ये बिछाई जा रही फील्डिंग फिजूल नहीं है। कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा ने यह तय किया है कि इस बार पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में 57 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। पर्याप्त नहीं लग रही है तो प्रचंड जीत की ख्वाहिश भी है और इरादा भी। इसलिए कमजोर प्रदर्शन वाली विधानसभा सीटों पर जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो ऐसी 20 सीटें हैं जिनमें 2017 में जीत का मार्जिन कम रहा या जहां काम की ज्यादा जरूरत है। तो अब रणनीति के हिसाब से केंद्रीय मंत्री यहां एड़ी चोटी कदम लगाएंगे, जनता की प्रतिक्रिया का आकलन करेंगे और आगे फीडबैक भेजेंगे। ये सिर्फ जनता के मत की जांच नहीं होगी, बल्कि भाजपा में कौन सी कमजोर कड़ियां हैं ये इसका आकलन भी है। और पार्टी इस बार कामयाबी के बीच कमजोरी नहीं आने देगी। हालांकि तकनीक कितनी कारगर साबित होगी ये नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।